Hi, today is grouping of word list part 2. इसके पहले वाले वीडियो पे मैंने part 1 करवाया था, speed ladder part 1, and today is speed ladder part 2. So कुछ grouping of word list करेंगे. आप grouping of word list तभी करें जब आपने course complete कर लिया है और आपने बहुत सारे word list की भी practice अच्छी खासी कर ली है. एंड आप अबव 80 WPM डिक्टेशन ले रहे हो एंड आपको अब ग्रुपिंग ऑफ वर्ड लिस्ट की प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप ग्रुपिंग ऑफ वर्ड लिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो. डायरेक्टली आप ग्रुपिंग ऑफ वर्ड लिस्ट पर ना आए विदाउट वर्ड प्रैक्टिस, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी सिंबल जो भी आउटलाइंस है उसे समझने में एंड मेमोराइज करने में, एंड फिर डिक्टेशन में भी प्रॉब्लम होगी. इसलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप लेसन कंप्लीट करें, कोर्स कंप्लीट करें, देन वर्ड लिस्ट अच्छी खासी प्रैक्टिस करें. अबव 80 WPM आप लिखने लगो, 80 WPM एटलीस्ट आप लिखने लगो, उसके बाद फिर आप ग्रुपिंग ऑफ वर्ड लिस्ट की भी प्रैक्टिस करें फॉर इंक्रीजिंग योर स्पीड. सो स्टार्ट करते हैं, कुछ स्पेशल आउटलाइंस देखेंगे एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ड लिस्ट की सिम्बल्स भी देखेंगे, आउटलाइंस भी देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. हियर स्पेशल आउटलाइंस, एडवांटेज, कैटेगरी, कॉन्फ्रेंस, एक्स्ट्रा, परफेक्ट, परफेक्टली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सिंपली इस तरह से. ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे से समझ सकते हो वाइल रीडिंग तो आप ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इस तरीके के यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हो, मैनेजिंग को अलग ड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्टर को अलग ड्रॉ कर सकते हो. अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह से ड्रॉ करने में तो आप फिर ऐसे ड्रॉ ना करें, आप इंडिविजुअली भी ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आपको ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स यूज़ कर सकते हो एंड समझ में भी आ जाएगी रीडिंग के वक्त, आप उसे यूज़ कर सकते हो. ऑल राइट, लेटर आर, लेटर आर से देखेंगे किस तरह से हम बना रहे हैं आउटलाइंस. पोस्टर, ड्रीमर, लर्नर, नेक्स्ट देखेंगे ब्राइडरूम, प्रोड्यूसर, प्रपोज्ड, रिप्रोच, नेक्स्ट मोर आउटलाइंस, एग्रीकल्चर, एप्रोप्रिएट, अप्रूवल, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, प्रिफर, प्रीलिमिनरी. ये कुछ लाइन्स, कुछ आउटलाइंस आपने पहले भी कर रखे होंगे अगर आपने मेरे वर्ड लिस्ट को देखा है तो, वॉच किया है, मैंने कुछ आउटलाइंस इसमें से पहले भी करवा रखे हैं. प्रोबेबल, प्रोमिनेंट, सब्सक्राइब्स, सब्सक्राइबर, ये आर है लास्ट में. एट द प्रेजेंट टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम, शॉपिंग, प्रेजेंट, वर्ड प्रोसेसिंग. अब अबव वर्ड से देखेंगे किस तरह से हम बना रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स. ये सिंपली इस तरह से ड्रॉ करना है अबव द लाइन, अबव ऑल, अबव ड्रॉ किया एंड ऑल, अबव ऑल, अबव द साथ के साथ ड्रॉ कर दिया, द अबव, ओवर एंड अबव, नेक्स्ट अबव सस्पिशन, अबव क्रिटिसिज्म. अब आर्क वर्ड से देखेंगे किस तरह से हम बना रहे हैं वर्ड.
ए आर सी एच आर्क, ये सिंपली ए का सिंबल हम इस तरह से ड्रॉ करते थे। अब किसी वर्ड में आपको ये आर्क वर्ड मिल रहा है तो आप थोड़ा सा ए के जैसा ही ड्रॉ करोगे, बट थोड़ा सा बिग ड्रॉ करोगे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। अब आर्क का आउटलाइन ये है, आर्किटेक्ट, इस आर्क से आर्किटेक्ट हमने बनाया तो ऐसे लिखेंगे, आर्किटेक्ट, आर्चीव्स। अब देखो ए आई आर और ए ई आर से किस तरह से हम बना रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय अ फुल ए एंड आर, फुल ए और आर से रिप्रेजेंट करेंगे एयर को या फिर ए ई आर हमारे किसी वर्ड में अगर मेंशन है तो। ये मैंने आपको अपने किसी एक लेसन में आपको करवाया था अपने कोर्स के, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन, एयर मेल, एरियल, इस तरह से हमने ड्रॉ किया। फिर एंटी और एंट के लिए देखो, ए एन टी आई और ए एन टी ई, किसी वर्ड में हमें मिल रहा है ये वर्ड तो अ डिसजॉइंट ए एन इज रिटन इन द टी पोजिशन, डिसजॉइंट ए एन हम ड्रॉ करेंगे इस वर्ड के लिए और आइदर इस वर्ड के लिए हमें किसी वर्ड में अगर है तो। देखो ये एग्जाम्पल एंटी रूम, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, एंटीक्वेटेड, एंटी को ड्रॉ कर दिया एंड क्वेटेड, एंटी क्लाइमैक्स, एंटीसिपेट, ऑल राइट। फिर अल्ट्रा, किसी वर्ड में हमारा अल्ट्रा आ रहा है तो सिंपली इस तरह से इंडिकेट करेंगे, लाइन से टच्ड रहेगा, अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा मरीन। अब अपर वर्ड से देखो, ये भी मैंने आपको अपने कोर्स में करवाया है, ए डिसजॉइंट फुल यू इज रिटन अबव द लाइन। अब ये यू जो है आप अबव द लाइन ड्रॉ करोगे और इससे रिप्रेजेंट होगा ये अपर वर्ड, ओके। अपर मोस्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, अपर लिखा एंड मोस्ट, अपर कट। तो ऐसे ही और भी वर्ड्स में यूज़ करना है, आपको रूल्स याद रहने चाहिए, रूल्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप और भी न्यू वर्ड्स के आउटलाइन खुद से ड्रॉ कर सकते हो। इन वर्ड ग्रुपिंग में देखो अब अपर कैसे यूज़ करेंगे, अपर स्टोरी, ये लाइन से ऊपर रहेगा, अपर स्टोरी, अपर क्लास, अपर हैंड, अपर रीज़न, ऑल राइट। फिर देखो स्पेशल आउटलाइन से कुछ आफ्टर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, आइडेंटिटी ऐसे ड्रॉ करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इंच इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इंचेस ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओके। सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट हमने सीखा था इसके पहले वाले वीडियो में इस तरह से, इनसिग्निफिकेंट हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियस इस तरह से, आफ्टर ऑल, आफ्टर दैट, इट वॉज ए, इट वॉज एन, ऑडियो विजुअल, एट ए, ओके। ऑलवेज इंसर्ट अ वॉवल एज इट अकर्स बिटवीन आर एंड एम इन वर्ड सच एज रेन, ऐसे में आप वॉवल यूज कर सकते हो, रिमाइंडर, रेमिडी, रिम, अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, वॉवल भी यूज़ कर सकते हो, ये रिम हो गया, रिम, रोमांस, रिमर, लाइक दिस। इस तरह से आपको सारे वर्ड्स अच्छे से ड्रॉ करना है और अच्छे से सीखना है। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो, इसलिए स्लोली स्लोली आपको मैंने सारे आउटलाइंस करवाए हैं। चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड कम कर सकते हो एंड देन वीडियो को देख सकते हो कम्प्लीटली। ये सारे आउटलाइंस है रूल्स के साथ लिखें, मैंने हमेशा कहा है रूल्स को भी अच्छे से लिखें एंड अच्छे से रिवाइज करें विथ वर्ड्स, तो आपको याद रहेंगी सारी चीज़ें, ओके।
तो ये हमारा स्पीड लैडर का पार्ट वन एंड टू कंप्लीट होता है। अब मैं आपके लिए ग्रुपिंग ऑफ वर्ड लिस्ट डिफरेंट टाइप के लेकर आऊँगी। सो ये हमारा कंप्लीट होता है आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ग्रुपिंग ऑफ वर्ड लिस्ट की वीडियो में मैं ग्रुपिंग ऑफ वर्ड की टी लाइन गोल की बुक है उससे रिलेटेड मैं कुछ वर्ड लिस्ट लेकर आऊँगी।